दोस्तों वन यू आई 7 के लीक्स और अपडेट आनी शुरू हो चुकी हैं और लीक्स के हिसाब से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है क्योंकि इस अपडेट के साथ हमें सैमसंग फोन्स के साथ कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इन लीक्स में कुछ ऐसा भी निकल के आया है जो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं वो जो आपको पसंद आए और वो है यूजर इंटरफेस। वन यू आई 7 में कम्प्लीटली नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। नई अपडेट में हमें नए आइकन्स देखने को मिलेंगे जो कि पहले से ज़्यादा राउंडेड होंगे और 3D स्टाइल भी इनमें इंक्लूड होगा जैसा कि macOS या visionOS के आइकन्स में होता है। इसके बाद जो लीक आई है वो नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आई है जो कि OneUI 6 के बाद फिर से रीडिजाइन किया जाएगा। OneUI 7 में हमें 2 पेजेस में नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा। एक पेज लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करने पर खुलेगा जो कि नोटिफिकेशन शो करेगा और दूसरा राइट साइड से स्वाइप डाउन करने पर खुलेगा जिसमें कि सारे क्विक टॉगल्स होंगे। ये भी iOS से कॉपी पेस्ट किया हुआ लगता है, लेकिन iOS से ज्यादा ये Xiaomi के HyperOS से कॉपी किया हुआ ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें भी HyperOS के जैसे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने से आप क्विकली टॉगल्स और नोटिफिकेशन पैनल में स्विच कर सकेंगे। एज ए लॉन्ग टर्म सैमसंग यूजर, सैमसंग का ये कॉपीकैट बनना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबसे बड़ा चेंज हमें कैमरा UI में देखने को मिलेगा। कैमरा मोड के साथ साथ अब सभी कैमरा सेटिंग्स टॉप की जगह बॉटम में देखने को मिलेगी और केवल एक शॉर्टकट मल्टीपल कैमरा सेटिंग्स को खोल देगा। ये नया कैमरा UI देखने को मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। गैलरी एप्लीकेशन का आइकन भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेगा जिसमें सैमसंग के गैलरी ऐप का आइकॉनिक फ्लावर रेनबो टाइप का हो जाएगा। रेनबो स्टाइल से आप समझ तो गए होंगे कि ये भी iOS से इंस्पायर्ड है। iOS की तरह ही OneUI 7 में लॉक स्क्रीन विजिटर पहले से ज्यादा राउंडेड होंगे और तो और क्विक एक्शन ऑन लॉक स्क्रीन में भी iOS की कॉपी की हुई लगेगी और मेरा मानना है कि इस हिसाब से नए आइकन्स आपको सैमसंग से ज्यादा एप्पल की फील देंगे। क्यों सैमसंग सैमसंग जो अपनी इनोवेशंस के लिए जाना जाता है वो पिछले कुछ सालों से एप्पल को कॉपी करता आ रहा है। इनफैक्ट एप्पल और सैमसंग दोनों ही एक दूसरे की कॉपी करते हैं, पर UI एक ऐसी चीज थी जिसमें काफी डिफरेंस नजर आता था। हाँ, चाइनीज ब्रांड्स जरूर एप्पल के डिजाइन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को कॉपी कर रहे थे, परंतु सैमसंग को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे भी UI में एप्पल जैसा दिखना है। ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है और ये समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट से इनोवेशन गायब हो गई है क्या। इन सब के बारे में आगे भी डिस्कशन चलता रहेगा और मैं OneUI 7 से रिलेटेड न्यू लीक्स लेकर आता रहूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाकी के लीक्स और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद।